अच्छा वो क्या करे जो लड़कियां निकल के आ गया है सोसाइटी में, वो भी अपना नाम कर पाए। जय हिंद मेरे भाई और उनकी बहनों, एक वीडियो फिर से लेके आ गया हूँ। आज आप सोचोगे मेरे साथ कौन है, बताऊंगा। मैं अपने साथ एक अपनी बैचमेट को लेके आया हूँ, शिवानी को, ताकि थोड़ी लड़कियों को मोटिवेशन मिल सके कैसे वो इस जॉब में आए, कैसे यूनिफॉर्म के जॉब को तैयार वो करें, लड़कियों को और आगे बढ़ना है, हमारी सोसाइटी में बढ़ना है, एग्जाम में बढ़ना है, ब्यूरोक्रेसी में भी आगे आना है, तो कैसे आगे बढ़े। तो एक लड़कियों को मोटिवेशन देने का एक लड़की से ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा होगा। तो आज मैं अपने साथ बैचमेट को लेके आया हूँ, काफी परसुएड करें उनका थोड़ा टाइम लिया है मैंने। तो आज ही आप अपने बारे में बताएंगी, पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं उसके बाद आगे की बातें करते हैं। मेरा नाम शिवानी खंडेलवाल है, मेरा एसएससी सीबीएल 2019 के थ्रू एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है। उससे पहले मैं कैनरा बैंक में एज ए प्रोफेशनली ऑफिसर काम करती थी और मैंने तो अपना ग्रेजुएशन है। तो अब मैं नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा शिवानी से कि सीजीएल में बहुत सारी जॉब है जो लड़कियां ऑप्ट करती हैं, अगर 4600 ग्रेड पे देखा जाए, सीएसएस रहती है, एमईए रहता है और भी काफी सारी पोस्ट रहती है, तो ऐसा एक्साइज इंस्पेक्टर ने क्या मोटिवेट किया सिर्फ कि एक्साइज इंस्पेक्टर ही जॉब ले, ऐसा इसमें क्या खास है? जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर एक यूनिफॉर्म जॉब है, तो इसमें आपको 3 स्टार्स ऑन योर शोल्डर मिलते हैं, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज होती है। मोरओवर जॉब में जो आपको वैरायटी ऑफ वर्क्स मिलेगी, ये जॉब आपको कभी भी जिंदगी मोनोटोनस फील नहीं कराएगी, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। और धीरे धीरे जब आप इस डिपार्टमेंट में आओगे जानोगे तो क्या इसका आपको पता चलेगा, ये डिपार्टमेंट आपको एक ही क्लेरिकल जॉब की तरह नहीं कि एक जगह बैठ के आपको जिंदगी भर अपनी जो है जॉब निकाल देनी है, वो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको जैसे आपने रेड मूवी देखी थी तो क्या कहते हैं जो उसमें जो सिनेरियोस दिखाए गए थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे यहाँ पे होता है। तो बहुत एडवेंचरस जॉब है, ये एडवेंचरस जॉब है जैसे बताया। तीसरा मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि यूनिफॉर्म से थोड़ा देखा जाता है कि मेल ज्यादा यूनिफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो लड़कियां भी अब कहीं ना कहीं होने लगी हैं जैसे कि शिवानी ने बताया, तो बहुत अच्छी बात है और यूनिफॉर्म अपने आप में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आजकल जो थोड़ा विलेज से लड़कियां बिलोंग करती हैं, उन लोगों के घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कईयों के हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, शादी हो जाती है जॉब करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, जबकि उनमें कैलिबर बहुत होता है, तो ऐसा वो क्या करें जो लड़कियां निकल के आ गया है सोसाइटी में वो भी अपना नाम कर पाए। ऐसा आपके साथ साथ इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि आपके साथ क्या हुआ, फैमिली का नजरिया कैसे चेंज हुआ जब आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, सोसाइटी का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, इस बारे में थोड़ा बताओ। जैसे कि आप बात करें तैयारी की, जैसे कि गाँव में जो लेडीज में जो चाहती है कि वो अपना आगे बढ़े, तो अब पहले ये रहता था कि तैयारी कहाँ से करें, उन्हें लगता था कि डेली कौन भेजेगा, कौन इसके लिए पैसे देगा, उस चीज़ की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आप घर बैठे वो तैयारी कर सकते हो, और मोस्टली जो कोविड टाइम में तो इतना प्रेवलेंट हो गया है कि आपको दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस टाइम निकालना होगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, ना कि ये कि हम मैं कैसे तैयारी करूँ। अब आपको ये देखना होगा कि मैं कैसे टाइम निकालूँ और उसको उस टाइम पर कैसे यूटिलाइज कर पाऊँ। और रही बात नज़रिया चेंज करने की, मेरी फैमिली पहले से ही बहुत लिबरल थी, तो उनके लिए तो मतलब मेरे को प्रिपरेशन करते करते कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट ही किया था। पर हाँ, एक आप उनकी नज़र में एक प्राउड मोमेंट जब आप देखते हो कि आप जब वो ड्रेस पहनते हो तो वो एक अलग फीलिंग होती है। उस फीलिंग के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए और सोसाइटी में देखना आपको एक अलग इज्जत मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शिवानी ने कितना अच्छा और कितना ग्रिस्ट में बताया कि लड़कियां कैसे तैयारी कर सकती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र किया और चीज़ें बताई। शिवानी तो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, लिबरल फैमिली जैसे कि बताया, पर बहुत लोग इतना वो नहीं होते, इतनी लिबरल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन का आप सारा ले सकते हो, और जब लड़की यूनिफॉर्म पहनती है तो उसका एक अपना अलग ही चार्म होता है, लड़कों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर्सनैलिटी उनकी निखर के आती है और समाज में इज्जत मिलती है, वो तो अलग ही मिलता है। थैंक यू शिवानी, छोटी सी एक ये ज़्यादा नहीं, अगर आप तो और डिमांड करेंगे तो शिवानी के साथ और भी बातें करेंगे, बट छोटी सी ये वीडियो थी, 4-5 क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लड़के लड़कियों को दोनों के लिए। थैंक यू शिवानी हमसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। अब आप क्लास में जा सकती हो, शिवानी क्लास में लेट हो रही है, मैं भी लेट हो रहा हूँ, पर मैं थोड़ा लेट चलूंगा तो चलेगा शिवानी, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।
है।